बेटा सुनो, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, पार्किंग में खड़ी करो। अरे सासू माँ, आप माँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है? माँ जी, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है? बेटा पेट पालना है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। माँ पेट पालना है, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमारा पुस्तैनी करोड़ों का बिजनेस है, हमारे अंडर में 10 लोग काम करते हैं, और तुम बोल रही हो कि पेट पालना है? और पिताजी ने तुम्हारे नाम पे तो ऑलरेडी पहले ही कितने सारे बैंक बैलेंस कराए, तुम्हें तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और तुम बोल रही हो कि पेट पालना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले आप ये बताइए कि साले साहब ने आपको नौकरी कैसे करने दी यहाँ पे, वो भी इस उम्र में? हाँ बेटा, जो तुम बोल रही हो वो सब कुछ सही था, पर अब ऐसे हालात नहीं रहे। माँ तुम साफ साफ बताओ बात क्या है। बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। माँ जी ये लीजिए चाय। हाँ माँ, मुझे 2 लाख की जरूरत है, इस चेक में साइन कर दो। बेटा इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मुझे कुछ जरूरी काम है, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। ठीक है दो, साइन कर देती हूँ। हाँ माँ, ये भी कुछ जरूरी कागजात है, इसमें भी साइन कर दो। माँ जी एक बार आप ये कागजात पढ़ लीजिए फिर साइन करिए। प्रीति सही कह रही है, तुम चेक दो, मैं उसमें रकम भर देता हूँ। तुमको ये ना लगे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? चाहे आज ले लो या कल, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ठीक है माँ, तो फिर कर दो साइन इसी में। ठीक है कर देती हूँ। हो गया माँ, ठीक है। भगवान करे मेरे जैसे बेटे बहू सबको मिले। हाँ माँ, ये लो अपना बैग। बैग? तुम लोग मुझे कहीं भेज रहे हो क्या? हाँ माँ भेज रही हूँ ना, इस घर से बाहर। और हाँ, आज के बाद इस घर में आपका कोई हक नहीं है। बेटा देख ये बहू क्या बोल रही है। वो बिल्कुल सही बोल रही है। अब तुम अपना बैग उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने साइन किए हैं ना माँ, वो प्रॉपर्टी के कागजात थे। आज से इस घर पे पूरा मालिकाना अधिकार हम दोनों का है, तुम्हारा भी इस घर में कोई अधिकार नहीं है। अब तुम इस घर से निकल जाओ। बेटा मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मुझे ये सब नहीं पता माँ। अब तुम अपना बैग उठाओ और यहाँ से जाओ। हाँ माँ, लो ये अपना बैग। ठीक है बेटा, तुम खुश रहो। माँ जी मैं उस साले को ना छोड़ूंगा नहीं, लेकिन माँ जी आपने भी अच्छा नहीं किया, आपने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया। माँ क्या मैं मर गई थी जो तुम मेरे पास नहीं आई? बेटा ऐसा मत बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन। माँ तो फिर क्या बोलूं? मुझे पता है जब तुम घर से निकली होगी तुमने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाए होंगे, तब जाके तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है। माँ जी आपको एक बार भी नहीं लगा आपको अपनी बेटी और दामाद के पास आ जाना चाहिए? बेटा मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और हमारे धर्म में बेटी का पानी पीना भी पाप है। माँ जी बेटी के घर का पानी पी के आप तो नरक में चले जाएंगी, और आपके बेटे ने जो आपके साथ किया है उसे तो सीधा बैकुंठ धाम ही मिलेगा। मैंने सोचा मैं एक छोटी सी जॉब कर लूं, उसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। माँ पर तुम ही जॉब क्यों करोगी? पापा जी ने जॉब क्यों नहीं की? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया है तो जॉब नहीं कर सकते। और बेटा फिर मैं कौन सी अपाहिज हूँ? तो मैं क्यों कोई काम नहीं कर सकती? माँ मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं, उन्हें तुम्हें जेल पहुँचा के रहूंगी। बेटा तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, भगवान पर भरोसा रख, उसका हिसाब बहुत पक्का रहता है। माँ अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलोगी। बेटा मेरी एक शर्त है, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं? समाज क्या कहेगा कि मैं अपनी सास को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाया? और फिर आपको नौकरी ही करनी है ना, तो मैं आपको कोई अच्छी सी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब लगवा दूंगा,
प्लीज आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मत करिए। बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लोगों की सोच छोटी बड़ी होती है, देखने समझने का नजरिया छोटा बड़ा होता है। मुझे गर्व है कि मैं एक औरत होके इस उम्र में अपने पैर पर खड़ी हूँ। ठीक है माँ, अब घर चलो।